हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। ज्योति स्टडी सेंटर में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा बेसिक इंग्लिश के बारे में बात किया करते हैं। जैसा कि हमारा ये आज का वीडियो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, ये इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। प्रीपोजिशंस के अंतर्गत सबसे पहले हम टू के प्रयोग को देखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम टू के प्रयोग को देखते हैं। कहाँ कहाँ टू का प्रयोग किया जाता है? टू से की ओर, अर्थात किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु की ओर जाने का बोध होता है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली की ओर अर्थात दिल्ली स्थान पे जा रहा हूँ। तो आइए इसके प्रयोग को समझने के लिए हम कुछ मॉडल सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिससे इसके यूज़ के बारे में हम और अधिक जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेंटेंसेस। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली। वह विद्यालय जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। राधा पटना जा रही है। राधा इज गोइंग टू पटना। राम कोलकाता जाएगा। राम विल गो टू कोलकाता। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि टू से किसी स्थान की ओर जाने का बोध होता है। तो इस सेंस में हम टू के प्रयोग को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मैं आपको मेरा ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो, टू के प्रयोग को आपने समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है ज्योति स्टडी सेंटर। ज्योति स्टडी सेंटर में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा बेसिक इंग्लिश के बारे में बात किया करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए। तो टिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।